इतने में गणेश जी बोले सब चुप रहो, तुम लोग पता नहीं कितने दिनों में एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए हो, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की मैंने 3-3 बार परिक्रमा लगाई। जितने देवता लोग थे तो ठा लगाकर हाहा कर गया से गणेश चूहा बाहर, इतना बड़ा पेट जहां था बैठा हुआ, हम इतने दिन में परिक्रमा करके हिंसि में कहा करके आई, उसके तो एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा लगाई, सब ठा लगा कर हसे। जब हसे तब वहां पर श्री नारद जी बता सही बोल रहा है, बोले क्यों, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, उसने भगवान के नाम को लिख करके 3-3 बार परिक्रमा की, भगवान का नाम अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, गणेश जी जयकार हो गए, जयकार हो गए। इसलिए रामचरित पढ़कर देखो, कहते महिमा जासु जान गन राव प्रथम पूजी तर नाम प्रभाव, हिंदी समझ रहे कि नहीं, महिमा जासु जान गन राव, गणराम गणेश जिस नाम की प्रभाव को जान करके प्रथम पूजी तर नाम प्रभाव, केवल हरि के नाम की प्रभाव से पहले पूजा हो। देखो मीरा का नाम हम क्यों लेते हैं, जगत में तो बहुत स्त्रियां हुई है लेकिन उनका नाम तो हम कोई लेते ही, लेकिन मीरा के नाम क्यों ले रहे, क्यों, कृष्ण की भक्ति की है ना, कृष्ण भक्ति की है इसलिए जगत में उसके नाम उजाला हो रहा है। तुलसीदास का नाम क्यों लेते, लेकिन अभी का जो बच्चों का जो इच्छा है ना, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बन सकते, अभी सुशांत था कहां गया, बोला श्रीदेवी थी गई कहां, 20-25 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे हैं, अभी क्या शाहरुख खान का बच्चा जेल में चला गया ना, जेल में चला गया ना है, कहां है इनका नाम, कहां है, इसलिए 2 दिन के लिए हिट हो जाते उसके बाद में पूछते नहीं, लेकिन तुलसीदास का नाम मिटेगा, हनुमान का नाम मिटेगा, मीरा भाई के नाम मिटेंगे, कहते भैया हीरो बनना तो कहते मीरा जैसे हीरो ही बनो, हीरो बनना तो गणेश जैसे और से हनुमान जैसे हैं, तुलसीदास जैसे हीरो बनो, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी नाम होती रहेगी दुनिया, इसलिए बड़ा बनना चाहते हो भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन गया, ठीक है ना, हाँ इसलिए कहते हैं आली मोहे लागे वृंदावन को, इसलिए पीछे पीछे गा लो, बोले आली मोहे लागे वृंदावन अनी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन अनी को, आली मोहे लागे वृंदावन अनी को, हरे हरे तुलसी के ठाकुर तुलसी बा, हरे हरे तुलसी के ठाकुर तुलसी बा, I'm
अच्छे उदाहरण दिया। अब लोग घर में सब्जी बनाते हो, अब बनाते हैं ना, जैसे बढ़िया से तुमने सब्जी बनाई, खूब घी डाले, खूब मसाला, सब चीज परफेक्ट दिया। लेकिन ऐसे एक चीज है जो सबसे कम पैसा का, अगर उस पर नहीं डालोगे ना तो सब्जी खा नहीं सकते। क्या बताओ तुम? नमक। इसलिए सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन एक नमक नहीं डालोगे ना खिलाफ दे क्या बनाए, बेकार बनाए। लेकिन इतना मसाला घी है नहीं, लेकिन नमक ठीक डाले तो रोटी खा लेंगे, है ना, खा लेंगे। इसलिए मीरा कहती है हम सर्वगुण संपन्न, घर में सब चीज बढ़िया है, सुंदर घर, पत्नी, बच्चे बहुत बढ़िया। लेकिन वो उदाहरण देती है, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो, जैसे नमक के बगैर वो सब्जी फीका है, कहते भगवान की भजन के बगैर भी जीवन तुम्हारी फीका है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण दिया। वो उदाहरण देते है जैसे एक रख, बताना उत्तर बताना, एक रखो, एक रख करके सिद्धार्थ में के जीरो दो, कितना होगा? अरे बोलो, एक रखो, एक सिद्धार्थ में के जीरो दो, कितना होगा? दस होगा। लेकिन था एक, लेकिन जब उसमें एक जीरो दे दिया ना, कितना हो गया? छठ दस हो गया। तो जो एक था दस गुण बढ़ गया, और एक जीरो दो कितना होगा? सौ। पहले था दस, लेकिन एक जीरो देने पर छठ हो गया सौ, और एक जीरो दो कितना होगा? हजार। था सौ, लेकिन जब एक जीरो दे रहे हो ना, वो दस 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 गुण बढ़ता है। वो कहते हैं अभी एक को हटा लो, एक को हटा लो, उसके बाद में जीरो दो, बताओ कितना होगा? जीरो दो, और एक जीरो दो, कितना होगा? हाँ, देखो क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जीरो किया और ये एक किया है। कहते जीरो ये संसार है, आज है, आज है, कल नहीं। करुणा में कितना लोग है, हमारे पिताजी के पिताजी भी गए, अब भी एक दिन जाएंगे। ये संसार नहीं, संसार को बताया देख धर्म सभा, जैसे होटल में रुके, रात में बैठकर खूब गप्पे मारे, तुम कहां से कहां सब रोके गए, आज है कल हम नहीं। वो काल जब आएगा ना, एक मिनट भी रुकेगा नहीं, चलो तो चलो यहां से, हैं, चलो तो निकलो यहां से। बोले नहीं, बच्चे बड़े नहीं हुए, शादी नहीं हुई, बोले समय हो गया, चलो यहां से। वो एक सेकंड नहीं रुकेगा, यहां से निकाल देगा उस तथा। इसलिए संसार जीरो है, ये जीरो संसार है, लेकिन वो हीरो क्या है? बोले एक, वो एक हीरो है। अगर ये जीरो जब एक को साथ में मिल रहा है, देखना वो दस 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 गुण बढ़ रहा है, लेकिन जब एक को हमने हटा दिया, वो जीरो का कोई मूल्य नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये संसार जीरो है, लेकिन अगर संसार जीरो तो है, लेकिन हीरो बन सकता है कैसे? जब भगवान की भक्ति को साथ में जोड़ोगे, नहीं तो कलो कमाओ खाओ, दो चार बच्चे जन्म दिया मर गए, यही तो करेंगे जिंदगी में, और क्या कर सकते, इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं है। इसलिए मर गए, गए जानवर भी यही काम करते हैं। सुअर को देखो, दस दस पंद्रह पंद्रह बच्चे एक साथ में जन्म देते, एक महीना बड़े कर छोड़ दिया, अब कितने बच्चे बढ़िया किया है? खाने के लिए दस दस घंटा ड्यूटी देते हैं, बीस पच्चीस साल तक बढ़ाएगी। जानवर को देखो, कोई स्कूल कॉलेज गए, खाना अपने आप मिला। सोने के लिए टेंशन हो तो रात में हमें गोली खाने पर नींद नहीं आती हो, वो देखो जहां का आराम से सो रहे। इसलिए शास्त्र कहता है जो खाना पीना सोना जानवर भी कर रहे हैं, अगर हम जीवन पर अगर वही करके गए, कहते भैया जानवर तुमसे फर्क क्या हो गया है? लेकिन फर्क एक ही चीज है, वो भगवान की भक्ति, मानव के शरीर सिवाय कोई भक्ति कर ही नहीं सकते, इंसान ही कर सकता है। और कोई प्रभु की भक्ति बोला, किस पर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, इंसान के सिवाय कोई कर सकता है? नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, कहते हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। भगवान राम कह रहे, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, ये 84 लाख जन्म के बाद में मिला है, हैं? ये 84 मुक्ति के दरवाजे पर तुम पहुंचे भी हो। अगर इसी जीवन में पा करके तुम भक्ति नहीं किया ना, दूसरे लाइन में कहते हैं, बोले सर पिटते रह जाओगे, भगवान मानव शरीर नहीं देंगे। जैसे वृक्ष है, जानवर है, वो चाहने पर क्या मानव शरीर पा सकते हैं? नहीं पा सकते, प्रभु का नाम भी नहीं ले सकते हैं, हैं? इसलिए भगवान कहते हैं भगवान के नाम से ही संसार से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और किसी को द्वारा नहीं मिलेगी मुक्ति। इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों,
जीवन रहते हुए प्रभु की भजन कर लो, भक्ति कर लो। अगर जीवन में कोई भी हमने ड्यूटी नहीं किया, एक प्रभु का भक्ति कर लिया, तो समझो जिंदगी में सारे काम तुमने कर लिया। अगर संसार का सारे काम तुम परफेक्ट रूप में किया, भक्ति नहीं किया, तो लास्ट में गोल आलू जीरो। क्योंकि आप लोग हिंदू है, देखना मरते समय जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुना हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। किसको सुना रहे हैं? ऊपर जो लेटा हुआ है, बोले जितने तुमने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहे। इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ इकट्ठे किए हो, जो कुछ किए हो, केवल झूठे में तुमने जीवन बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही। जिस पत्नी को तुमने साथ भरा लगा कर शादी की, वो दरवाजे से आगे नहीं निकलेगी। जिस परिवार तुमने बनाया स्मशान तक जाएंगे, उसको आगे तुम्हारे साथ में कोई भी जाने वाले नहीं, जाएगा फिर। धीरे मिला करती है पार्वती मैंने राम लखन धन पाए, बस तू अमोल को दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो पाए जी मैंने। हाँ, पूर्वज लोग थे, पहले गीता रामायण पढ़ते थे, हरि का नाम जप करते थे, धर्म पूजा करते थे कि नहीं? और क्योंकि वो बुद्धिमान थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम ज्यादा लिखे बड़े सीख रहे ना, सब बेकूब हो रहे, मूर्ख हो रहे सब। जितना लिखा पढ़ा सीख रहे, उतना उदंडता, उतना गुरुजन का अनादर करना, उतना ही भक्ति से दूर जा रहे सब के सब, क्योंकि ज्यादा लिखे बड़े हो गए ना। लेकिन लिखा पढ़ने का तात्पर्य है, मीरा कहती है, पोथी पढ़ी पढ़े मुआ भयो, पंडित ना भयो कोई, प्रेम अक्षर प्रेम से पढ़ा, पढ़ा से पंडित सोई। बड़ा पंडित वही है मीरा कहती है, जो भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति को जिसने पढ़ लिया है, नहीं तो जगत में पढ़ पढ़ के पंडित नहीं बने हैं। इसलिए जीवन में क्या करनी चाहिए, सबसे ड्यूटी है भक्ति। हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे, एक समय कुछ अच्छे अच्छे लिखे बड़े बच्चे नाव में पार हो रहे थे, कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर था। नदी बहुत बड़ी थी, जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया ना, वो जो जो नाव चला रहा था, वो जो उसको पूछा जो सीए कर रहा था, बोले तेरे को सीए के बारे में कुछ बता। बोले सीए क्या होता है? बोले सीए नहीं जानते। बोले यार मैं तो नाव चला कर दो पैसा कमा कर पेट पालता हूँ। बोले तेरा तो 25% जीवन बेकार है। और थोड़ी देर पहुंचा जो इंजीनियर कर रहा था, बोले इंजीनियर पढ़ा हुआ हो? बोले इंजीनियर क्या होता है, मैं तो नाव चला कर दो पैसा पाल कर संसार चलाता हूँ। बोले तेरा तो 50% जीवन यूजलेस है। और थोड़ी देर गया जो डॉक्टर था, बोले डॉक्टर के बारे में भी जानते? बोले वो क्या चीज होता है? बोले नहीं जानते। बोले नहीं तो मैं तो नाव चला कर पेट भरता हूँ। बोले तेरा तो 75% जीवन बेकार है। चलते चलते जब थोड़ी दूर गया ना, नाव में हो गया छेद, हो गया पानी घुसना शुरू हो गया। बहुत कोशिश किया बंद करने के लिए, बंद नहीं हो रहा है। नदी बड़ी लंबी चौड़ी, तो नाव वाला पूछ रहा है जो सीए डॉक्टर इंजीनियर को, बोले तैरना जानते हो? तैरना जानते? बोले तैरना क्या? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले मेरा तो 75% जीवन यूजलेस, अभी तुम्हारे 100% जीवन अभी जाएगा। और देखते थे नाव तो डूब गई, जितने सीए डॉक्टर डूब कर मर गए, इसको तो तैरना आता था ना, पार हो गया नदी। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में भक्ति भक्ति रूपी अगर ये चीज अगर जीवन में तुमने अपना गया, तो संसार तुम्हारी पार बेड़ा पार। अगर सारा दुनिया की पढ़ाई लिख कर दिया, तो भैया अंतिम समय में ये कोई भी काम में आने वाले नहीं। शरीर छूटते ही जितने डिग्री बिग्री खत्म, तुम्हारी एक डिग्री वहां काम करेगी, भक्ति की डिग्री वहां पर काम करेगी। इसलिए मीरा कहती है, भजन बिना न रहो ठीक है, भजन के बगैर जो जीवन है ये फीका जीवन है। इसलिए क्या करनी चाहिए, सब कुछ करो, लेकिन जो एक को साथ में जोड़ कर करो, पैसा खूब कमाओ, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पैसा लक्ष्मी सोचो, लक्ष्मी इसलिए कमा रही है ठाकुर को सेवा के लिए। बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ हैं, लेकिन खाना क्यों बना रहे हो? भगवान को भोग, ठाकुर जी को भोग। घर को बढ़िया से साफ करो, बोले कहाँ साफ कर रहे हो? बोले भगवान के मंदिर साफ कर रहे हैं। शरीर को अच्छे तरह से स्नान करो, बढ़िया कपड़ा पहनो। बोले क्यों? बोले अच्छे कपड़े पहने के तभी तो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। बच्चों को खूब लाड प्यार दो। बोले क्यों? ये सबके सब कृष्ण ने भगवान ने दिया, ठाकुर के बच्चे, हमारे बच्चे ना ठाकुर के बच्चे, ठाकुर के बच्चे, ठाकुर ने बच्चे दिए हैं। ये बड़े होकर के भगवान की भक्ति करेंगे हैं, बड़े होकर भगवान की भक्ति करेंगे। अगर हर चीज को प्रभु की भक्ति में जोड़ दिया ना, मीरा कहती है, समझ लो तुम्हारी
बास अंक रहे दस गुण, फिर तो दस दस गुण बढ़ते जाओगे, दस दस गुण संसार में बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, क्या करना, सब कुछ करो भगवान की भक्ति को करते हुए करो। ठीक है, अभी हमारे प्रभु जी आपको बड़ा सुंदर, ये इनकी जो इनकी अच्छे कलाकार मथुरा के, इनकी आकाशवाणी में इनकी ये भजन आती है, सवेरे अगर खोलोगे हरे कृष्णा, इसलिए आकाशवाणी में इनकी भजन आती है, बजो बजो बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु की बखानी, मंगल में गुरु के सुदर्शन, मंगल में गुरु कीर्ति अमानी, मंगल में नख से शिथिलो गुरु मूर्ति वेद पुराण। एक बार हाथ ऊपर कर बोलिए गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे। मोहन नैना आपके नो जो जमीन में फंस गए वो है गए बहुते पार। एक बार फिर हाथ ऊपर कर ले नंद के लाला की जय जय श्री राम। लड़ गई जिनको भगवान ने हाथ दिए सबसे निवेदन करो मत खाली खुल कर क्योंकि भगवान ही हमारे गुरु वैष्णव होते हैं, वह ठाकुर जी हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं। लड़ गई रे श्याम ते अखियां
I'm
कृष्णा और जगत का मालिक है भगवान। जब कृष्णा इसलिए भगवान विद्यार्थी दिखाए ना, हम महाभारत युद्ध में देखते होंगे जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा तो भगवान विराट को दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, तब उन्होंने शंकर जी को भी अपना अंदर में दिखाया, माता देवी को भी दिखाया, उन्होंने गणेश जी को भी दिखाया, उन्होंने 33 करोड़ देवता को भगवान कृष्ण अपना अंदर में दिखाया। बोले अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत की कोई तत्व नहीं है, जगत का मालिक नहीं। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण पूजा करने से विश्व ब्रह्मांड की जितने 33 करोड़ देवता है वो सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए शंकर जी को अपना गुरु मानो, उनकी कृपा से भक्ति मिलती है शंकर जी को, उनका अपना गुरु मानो। शंकर जी कहते हैं मैं जिसको सही सही कृपा करता हूँ मैं भगवान कृष्ण भक्त को वास में भेज देता हूँ, शंकर जी कहते हैं। इसलिए घर में जरूर लड्डू गोपाल होनी चाहिए घर, ठीक है ना। और घर में जो कुछ खाओ सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस हो जाए, मेरे को जो भोग लगा कर खाते हैं, भगवान कहते सर्व दुखानाम घर में दुख कष्ट नहीं रहता। और जो मेरे को भोग नहीं लगा कर खाते हैं कहते भुंजते तो अघम पापा, कहते वो पाप भजन होता है। इसलिए घर में जो कुछ बने ठाकुर को भोग लगाना ठीक है ना, लेकिन एक नियम भी है, अगर प्याज रस में खाओगे तो भोग नहीं लगा सकता। खाते हो प्याज रस में? खाते हो? अब खाती हो? कोशिश करना कितने सी चीजें अगर छूट जाए तो, जैसे नवरात्रि आती है ना हम लोग भी प्याज रस खाते हो? नहीं खाते। क्यों? माता जी को पसंद नहीं तब तो नहीं खाते। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो फिर खाकर नाराज करो? जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता, जो चीज माता जी को पसंद नहीं, हनुमान जी को पसंद नहीं, वो चीज भी हमारी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन जिसे छूट जाए, जो प्याज लहसुन को तामस के भोजन मानी गई है। इसलिए पुराण में कथा थी, कथा सुन लो, जो प्याज लहसुन नहीं खाते ठाकुर को क्यों भोग नहीं लगता है? बोले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, वो माता है, अगर कोई बूढ़ी हो जाए उसको मरने नहीं देते, उसके लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ में बलिदान देते थे। ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होता था, जब मंत्र बोलते थे फिर बुढ़ी गैया जवानी बन जाती थी। इसलिए उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान की, अनुष्ठान यज्ञ करके बलिदान दिया, सबके हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के लोग हैं, इसने मांस देकर खाने की इच्छा हो, लेकिन उसने क्या किया, सबको सामने खा नहीं सकते, उन्होंने छुपा दिया रात में, छुपा दिया। तो ऋषि ने मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ने पर जो बुढ़ी गैया जवानी बन गई, लेकिन जिस अंग का मांस छुपाया था वो घाव बना हुआ भरा नहीं। ऋषि तो त्रिताल दृष्टा साधारण थे ही नहीं, ध्यान लगाया, देखा किसने खाने के लिए छुपाया तो उन्होंने अभिशाप दिया। बोले जिस जहां पर ये मांस को काट दिया वहां पर मांस जैसे लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल रंग के, जहां पर हड्डी काट दिया जैसे हड्डी सफेद, वहां पर लहसुन की पौधा होगी, जहां पर खून का खून गिरा वहां पर मसूर डाल होगा। इसलिए आप देखना हमारे आप लोग अपना घर में देखना, किसी हिंदू घर में पहले चीज नहीं घुसाया करते थे, इसको पाप मानते थे, क्योंकि इसका सृष्टि कर दीजिए इससे। अब कच्चा प्याज का मुंह से बदबू मारने का बात नहीं कर सकते, यहाँ पर प्याज का तो पूरा घर में पता चलेगा कि प्याज कट गए, प्याज को छोंक दो तो ना घर में भी बदबू फैल जाती है। इसलिए ये सब चीज ठाकुर को भोग नहीं लगती है। ऐसा इसको खाने से, अब कभी एयरपोर्ट में गए हो, एयरपोर्ट में देखना टर्मिनल 3 वहां देखना, वो वहां 6 नंबर में एक जो नंबर लिखा हुआ, फिर जो पायलट है उनको कम से कम 10-12 घंटा पहले उनको प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, पढ़कर देखें। बोले क्यों? बोले प्याज लहसुन खाने पर पायलट के लिए निर्देश है, उसका जो डिसीजन शक्ति है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि जो जो प्लेन चलाते हैं उनको तो झट डिसीजन लेना पड़ता है ना, कुछ होगा इसलिए लिखा हुआ है। एक व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है, एक नहीं खाता है, दोनों बच्चों को कोई आदेश हो, देखना जो प्याज लहसुन खाते हैं उसका जो डिसीजन है थोड़ी लो हो जाता है, एक जो प्याज लहसुन नहीं खाता है झट चीज को प्याज करता है। इसलिए वो लिखा हुआ कभी देख लेना, उनको मना किया गया। अमेरिका में भी किसी पायलट को 10-12 घंटा पहले उसको खाने के लिए प्याज लहसुन मना किया गया है। और विशेषकर ठाकुर को भोग नहीं लगता है, भगवान नहीं खाते। सुदामा का नाम सुने हो? अब पता है सुदामा क्यों गरीब बना, पहले धनी क्यों बना? अब टीवी में देखे होंगे
जब कृष्ण सुदामा गए थे जंगल में, गुरु माता चाना दिया था, बोले कृष्ण को दे गए था। अब देखना पेड़ के ऊपर चढ़ करके बिना लिए था, इसलिए उनको गरीब होना पड़ा है, पर धनी का बने। फिर जब भगवान को दर्शन के लिए गए, दो बूटी चिड़वा लेकर गया, ठाकुर जी दो बूटी दिए तो त्रिभुवन का राज्य। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान को भोग लगा कर खाएंगे ना, घर में लक्ष्मी की भी आशीर्वाद, लक्ष्मी की कृपा होती, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की, भगवान की सेवा में लगेगा तब तो लक्ष्मी आएगी ना। ठीक है, कितना अगर कोशिश कर सकता, अच्छी बात। दूसरी चीज, जैसे भगवान का माला जप करते हैं ना, कि हरि का नाम जरूर लेना। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? सुने हो? एक दिन महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में भोजन है। तब भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सब घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति होगा। आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 रुपया थे, 1,000 रुपया छाड़ दो, मेरा मुझे 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, तो हमारे घर में क्या भजन ही नहीं करेंगे। भगवान क्या बोले जानते हो? उत्तर बैठा है, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मती मैं बिखरा हूं। सुने कि नहीं? कहते जिन जिन ने की हम बत्ती लूटे सो माला माल हुई, और माया के जो बने गुजारे आखिरी वो कांगाल हुई। बोले कौन कौन ये धन को लूटे? बोले तुलसी मीरा और नरसीता, इनका नाम देखो जगत में अमर है, सारा दुनिया घर घर जिनकी पूजा हो रही, क्यों? उन लोगों ने प्रभु का नाम रूपी धन लूटे। अब देखो कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? जानते हो, सब जानते हो। कुछ दिन पहले उसके टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, देखे होंगे। यहाँ पर महाभगवान कहते कौन बनेगा लखपति। अब देख लो लखपति कैसे बनेंगे, देख लो माला है, जैसे ये अंगुल ना इसमें नहीं लगानी चाहिए, ये बीच वाला अंगुल में रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलना एक मत सकता है, पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया। हाँ, जब ये हरे कृष्ण पूरा 16 बार हो गया, एक में 16, 2 में 32, ऐसे करते करते जब यहाँ पर खत्म हो जाती है, इसको पार नहीं करनी चाहिए, ऐसे घुमा देनी चाहिए, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर ऐसे हमने 16 माला कर लिया ना, 16 राम, तो हिसाब से 25,000 हुआ है। अगर हमने 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते बोले 1,00,000 माला नहीं किया है, आज तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गया। भगवान खुद कह रहे बोले भैया ब्याज कितने मिले, उसको ब्याज किसे मिलने चाहिए ना। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़क सवार, आज अगर 1,00,000 ठाकुर का नाम किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में ये धन कितना जल्दी तेजी काम करती है, और अंतिम समय में यही धन ही हमारे हाथ में जाए है, और यही धन हमारे लिए फिक्स डिपोजिट हो रही है। फिक्स, एक उदाहरण देकर समझाए, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मेरे को उत्तर देना, देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है। जैसे मानो यहाँ से 2-3 दिन के लिए वृंदावन जा रहे, कहाँ जा रहे? 2-3 दिन के लिए जा रहे, पहले प्रिपेरेशन करना पड़ता कि नहीं? सारे कपड़ा लटा ब्रश टूस सब प्रिपेरेशन करते, लेकिन भले ही आप यात्रा करते समय कोई चीज नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास में एक चीज हो ना, आपके पास में बड़े आनंद पूर्वक यात्रा करो। अगर वो एक चीज नहीं हो ना, वो यात्रा कर ही नहीं सकते हो। आप बता सकते हो क्या चीज? कौन बोले हाथ उठा? नहीं वो तो उनको तो बहुत दूर होगी, ताली बजा प्रभु जी, प्रभु जानते पड़ता है कि नहीं। इसलिए अगर यहाँ यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कपड़ा भी लोगे, लेकिन पैसा तुम्हारी पकेट में पूरा गर्म है, बढ़िया यात्रा खुश हो गए करो, क्यों? जानते हो पैसा है ना, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे हैं, कुछ भी नहीं हो अगर पैसा है ना, फिर कोई फिक्र नहीं है ना। लेकिन यहाँ से यात्रा कर रहे हो 2-3 दिन के लिए, लेकिन पकेट में 1 पैसा नहीं, सब तुम्हारे पास में पैसा नहीं, यात्रा कर सकते हो घर से? निकल नहीं सकते हैं, क्यों? पैसा है कि नहीं? तो संत लोग कहते हैं
भैया दो तीन दिन के लिए तुम यात्रा कर रहे हो, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसे की यात्रा आएगा जो सबका अंतिम यात्रा होगा, वो यात्रा सबको करना पड़ेगा, और यात्रा कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता। अब तक बैठ बैठ के हार्ड आने हो जाता कि नहीं, वो कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकते, कब करना तुम्हें पड़ जाए। तो कहते भैया उसी समय में ऐसे कौन सा धन हमारे पास में रहे आनंद पूर्वक यात्रा करे। कहते कबीर कहते हैं भगवान के नाम रूपी धन अगर ये धन तुमने जीवन में कमा रख दिया ना, तो तेरे लिए ब्याह भी व्यवस्था होगी। अगर सारा दुनिया की कमाई लेकिन ये धन तुमने नहीं कमाए, रो रो कर जाना पड़ेगा यहाँ से रो रो कर जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भैया यही धन काम में लगेगा। इसलिए जो धन काम में लगे उसके लिए तो समय देनी चाहिए ना, देनी चाहिए कि नहीं? माला सब करते कि नहीं? सब करते कि नहीं तुम? हाँ, और माता जी करते कि नहीं? कर लेते हैं माला। आप भी माला करना, ठीक है ना? आप देखो माला दे जाऊंगा, माला लेकर घर माला करना। देखो आपको और भी छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगी ना, जैसे इसको ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि जो बीच वाली ये राधा कृष्ण का रूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, ये बीच में राधा कृष्ण को रखकर रास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आने पर राधा कृष्ण है, इसलिए उनको पार नहीं करते, ठाकुर को पार नहीं करते, फिर घुमा करके फिर इसको फिर दूसरे तरफ में कर। आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, याद रखना, सबको कथा सुनाना, मैं इतना कथा सुनाना हूँ, आप सबको ही कथा सुनाएंगे, ठीक है ना? हमें प्रभु की भक्ति क्यों करनी चाहिए, ठीक है? सब याद करना कथा, फिर सुनूंगा, पहले तुम्हें पूछूंगा, तुम्हें नहीं सुनो, पास में जो बैठी माता है। इसलिए याद से क्यों भक्ति करे, क्या जरूरत है? हम तो खा रहे पी रहे मस्ती में, पर भक्ति क्यों करे? हैं, छोटी स्टोरी सुन लो, ठीक है? बच्चे तुम भी याद कर रहे हो तो तुम भी पूछेंगे, सुनो ध्यान से सुनो। हाँ देखे, एक समय कोई एक दरिद्र था, गरीब था, वो भीख मांग रहा था। करते करते एक बहुत बड़ा सेठ घर में पहुंचा, बोले बाबू तीन दिन से भूखा हूँ, पैसे की तो अन्न दाना नहीं, तेरे भला होगा, कुछ खाने के लिए दे दो। वो सेठ निकला घर से, निकल करके बोले तो हट कट दिख रहे हो बढ़िया, तो काम कर क्यों नहीं खाते हो, तो भीख क्यों मांग रहे? बोले मजबूरी में। बोले क्या मजबूरी? बोले मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस सोने में भी हाथ लगाता ना, सोने भी मिट्टी हो जाता है, लास्ट में भिक्षा मांगने के सिवाय कुछ रहेगी या भीख मांगे सिवाय? तो वो सेठ ने कहा भैया देख, आज से तेरे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? बोले मेरा बहुत बड़ा चावल का बिजनेस है, मैं तुमका अपना पार्टनरशिप देगा, आधा तेरा और आधा मेरा, जो लाभ होगा। अगर कोई भीख मांगते मांगते कोई बहुत बड़े जमींदार घर में कोई बोले आधा तेरा और आधा मेरा, कितना बड़ा भाग्य बताओ। लेकिन उसे सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, ये सचमुच से बता रहे हैं ना, मेरे को साथ हंसी दिले कर रहे हैं। उसने कहा बाबूजी कुछ मत दिया करना, मत दिया करके मेरे साथ में अब हंसी क्यों कर रहे? आप इतने आलिशान मकान, इतने बड़े धनी, और मैं कहा रोड का भिखारी, मेरे साथ में हंसी दिले क्यों कर रहे हो? तो सेठ कहता नहीं, हंसी दिले नहीं कर रहा, अगर बोलोगे ना ये पूरा के पूरा बिजनेस मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन एक काम करियो। बोले बताओ क्या? बोले उसमें जो प्रॉफिट हुआ 90% तेरा और 10% मेरा, कितना हो गया? 90% किसकी है? अरे बोलो, किसकी? भिखारी की। और 10% किसका है? सेठ। ये कथा को याद रखना है, अब दूसरे को भी सुनाना क्यों भक्ति करनी चाहिए, तुम लोग भी सुनना, ठीक है? कथा भी दूसरे को, दूसरे को कथा सुनाना। इसलिए अभी दिव्य हो गया। बोले बाबूजी कोई चिंता मत करो, महीना खत्म होने से पहले 10% घर में पहुंच जाएगी। अभी सेठ इंतजार कर रहा है 10% आएगा, लेकिन जब एक महीना बीत गया ना, उसने देने के लिए नहीं आया। मैंने बोला क्या हो गया? सारे बिजनेस दे दिया, 10% 9% हो गया, और 10% भी देने नहीं आया। हो सकता है ज्यादा बिजनेस में डूब गया, कोई अच्छी बात में काम करे, ठीक से काम करे। दूसरे महीना में वो 20% के लिए इंतजार कर रहे, लेकिन जब दूसरा महीना बीत गया ना, तभी वो देने नहीं आया। जब तीसरा महीना बीत गया नहीं आया, जब 6 महीना बीत गई ऐसे, बोले भैया ज्यादा कमाने का चक्कर में राम नाम सतत नहीं हो गया उसको, एक बार देख कर क्या वो क्या कर रहा है। जब देखने के लिए आया, क्या मकान बनाया, क्या सामने क्या गाड़ी, 8-10 गाड़ी खड़ी हुई है, कितने नौकर काम कर रहा है, वो ठाड़ बाड़
तो वो सेठ आया, वो व्यक्ति छत से उतर करके सूट कोट कोट पहन कोट पहन के उतरा। जब उतरा वो जो सेठ था बोले तुम मेरे को पहचानते हो? बोले तुम कौन हो? तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं? मतलब तू भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आया था, हैं? ये जितने सारे बिजनेस में तेरे को दे दिया, बोले तू पूरा के पूरा ले ले, केवल मेरे को महीना के 10% देना तुमको बात हुई थी कि नहीं? लेकिन 6 महीना हो गया तो मुंह दिखाने के लिए नहीं है, क्या बात है? लेकिन वो व्यक्ति कहता है किस चीज के 10%? काम करूंगा मैं, पैसा कमाऊंगा मैं, और तेरे को बैठ बैठ कर 10% क्यों दूंगा? आप बताओ जब संसार में आए थे क्या लेकर हम आए थे? कुछ लेकर आए थे? कुछ लेकर आए? जो कुछ आज मिला किसकी कृपा से मिली? भगवान की कृपा से। वो अगर चाहते तो अब देना कितने लंगड़े लुड़े लोग घूम रहे हैं। हम जहाँ पर रुके थे वहां पर पागल खाना है वो घूमते दिन भर, लेकिन ठाकुर जी हम पागल नहीं बनाए। कितने लोग लंगड़े लुड़े घूमते हुए देख रहे हैं ना, कैसे पेड़ जीवन हो। ठाकुर वो जन्म हमें दे सकते थे, लेकिन ठाकुर जी हमें नहीं दिया। बड़े सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दिया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठाकुर ने दिया है ना, सब कुछ उसकी कृपा से मिली है सब कुछ उसको। लेकिन ठाकुर जी कहते भैया तू 90% तू रख ले, लेकिन 10% तू मेरे को दिया। कितना? लेकिन वो पैसा नहीं मांग रहे, हमसे पैसा नहीं मांगते हैं। कहते समय मेरे को, तो 10% मेरे को समय तो। लेकिन हम क्या कहते, तू कौन होता है? तेरे को हम क्यों दे? तेरे को हम क्यों दे? तू कौन होता है? तेरे को हम क्यों दे? इसलिए कहते 10% मतलब होता है जैसे दिन रात मिलकर 24 घंटा, 10% के लिए 2.5 घंटा होता है, 2.5 घंटा होता है। ठाकुर जी कहते मेरे को 2.5 घंटा तू दे, सवे उठ करके नहा धो करके मतलब माला जप करो है, हरि का नाम लो, क्योंकि यही अंतिम समय में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते जानते हो? अबुरा मत बनना। अक्सर करके संसार में देखना हम जो काम करते हैं ना, दूसरों को कैसे खुश करें, अपना पत्नी को कैसे खुश करें, पति को कैसे खुश करें, सास को कैसे खुश करें, ननदों को कैसे खुश करें, परिवार, अपना लिए देखना संसार में बहुत कम करते हैं, है कि नहीं? दो रोटी देखना कभी कभी अगर सब खा करके बच गया तो नमक से खा लेते हैं, होता कि नहीं? आपसे एक प्रश्न करता हूं, अभी तक तुम्हारे ऊपर संसार में कोई खुश है? आप बोल दो, तुम्हारी ऊपर में ही संसार में कोई खुश है? देखना हमारे पीछे हमारे की चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती है कि नहीं? बता किसको खुश कर पाएंगे? अभी तक कर पाएगी इसको? थोड़ी सी अगर इधर हो तो जिंदगी भर किसी सेवा करो, थोड़ी सी इधर उधर हो गए ना तो मेरे लिए किया क्या? मेरे लिए तुमने किया के झट ये प्रश्न उत्तर आता है, हैं? भैया जगत में हम किसको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे है, ठाकुर जी इतने दयालु। द्रौपदी का नाम सुने ना, जब भगवान की अंगुल कट गई ना, जब भगवान की अंगुल कट गई द्रौपदी ने अपना साड़ी को धार करके बैंडेज कर दी, कितना ठाकुर जी इतने रीज गए, बोले इसका ऋणी कब चुका। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितने पति थे बोलो? सर्वश्रेष्ठ गांधी भाई अर्जुन, गदाधारी थी नकुल, सहदेव, एक से कोई काम में आए? जब द्रौपदी का एक पति काम नहीं है, 5 पति नहीं है, हमारे एक पति का काम आएगा? जब द्रौपदी की 5 बात कति भाई नहीं आए, इसलिए अंतिम समय में काम में कौन आए बताओ? कौन आए? किसने आए बोलो? कौन आए? भगवान ही आए भैया। अंतिम समय में काम हमारी वही आने वाले, इसलिए उसके लिए थोड़ा समय दो, अंतिम समय में वही जाएगा, ठीक है? भगवान के नाम जप करो और शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करो और खूब आनंद में और खूब खुश में रहो, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग एक माला देता हूँ, ठीक है? माला जप कर अच्छी तरह देते, एक माला देता हूँ, माला जब मैं देता हूँ तुम लोग माला, ठीक है? माला करना और बच्चों को भी माला कराना, देखना जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना उनको माला कराओ, दिमाग तेज होता है। जो कृष्ण नाम है ना, क्री मतलब आकर्षण करना, अगर जिनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है, क्री मतलब होता है खींचना, आकर्षण करना। जब हरि का नाम लोगे ना मन स्थिर हो जाता है, पढ़ाई तभी होता है जब मन स्थिर हो जाए, ठीक है? ये हरे मतलब होता है सारे दुखों कष्ट को जो हरी है, कृष्ण मतलब होता है जो चंचल मन को शांति दे, राम मतलब जीवन में जो आराम दे, जीवन में आराम दे, ठीक है ना? हरि का नाम करना, भक्ति करो।
इधर इधर आ जा। बहुत अच्छी बात। एक प्रश्न अगर प्रिया दर्शन धीरे धीरे छूट जाए तो ठाकुर को भोग लगा के खा सकते। अरे ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, भोग लग गए ठाकुर जी को, सही लग गई।